रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन कई मोर्चों पर मुश्किल हालातों का सामना कर रहा है। यूक्रेन की पहली और सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि लंबे समय से युद्ध का मुकाबला करते हुए उसके पास हथियारों की भारी कमी हो गई है। ऐसे में रूसी हमलों का जवाब देने की उसकी क्षमता भी लगातार कम होती जा रही है। यूक्रेन के मददगार अमेरिका, ब्रिटेन, हंगरी, यूरोपीय संघ और नेटो आदि से भी उसे जल्द कोई मदद मिलती नहीं दिख रही है। इन परिस्थितियों ने यूक्रेन को ऐसे हालात में पहुंचा दिया है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम लगभग खत्म हो गया है और वो रूसी मिसाइलों और ड्रोन के हमलों को रोकने में काफी कमजोर हो गया है। इस बीच कनाडा की तरफ से आई एक खबर ने यूक्रेन की बची खुची उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। कनाडा के सीटीवी न्यूज नेटवर्क ने रिपोर्ट दी कि कनाडा द्वारा यूक्रेन को एक साल पहले यूएस नॉर्वेजियन एयर डिफेंस सिस्टम देने का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है और ये मदद यूक्रेन को कब मिलेगी इसकी भी कोई समय सीमा नहीं है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने जनवरी 2023 में यूक्रेन के लिए सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम या नेसम्स के उत्पादन के लिए धन देने का वादा किया था। कनाडा की तत्कालीन रक्षा मंत्री अनीता आनंद सहित कई कनाडाई अधिकारियों ने पिछले साल अप्रैल में कहा था कि जल्द ही यूक्रेन को डिलीवर हो जाएगा। अब सीटीवी न्यूज ने नेसम्स के उत्पादन से जुड़ी नॉर्वेजियन स्थित रक्षा फर्म कोंग्सबर्ग के हवाले से कहा कि कंपनी को अभी तक कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिला है। ये खबर ऐसे समय आई है जब यूक्रेन के राष्ट्रपति सहित वहां की सेना खुलकर कह रही है कि उनके पास युद्ध संसाधनों की कमी है और उनका एयर डिफेंस सिस्टम लगभग ध्वस्त हो चुका है। हाल फिलहाल यूक्रेन को कहीं से मदद मिलती भी नहीं दिख रही है। अगर यही हालात बने रहे तो युद्ध के मैदान में दो साल से टिके यूक्रेन की आगे की राह बहुत कठिन होने वाली है।